एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सबको पता है कि मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। तो आज है मेरा ससुराल में फर्स्ट डे। और तो मेरे हस्बैंड के बिना पर जो सब कुछ अच्छा रहा, पर कल मैं थोड़ा सबको मिस कर रही थी, अपने घर वालों को। ऐसा नहीं है, ये भी अपना ही घर है और सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा याद तो आती है ना। पहले पहले थोड़ा बहुत होता है, पर बाद बाद में मुझे आदत पड़ जाएगी। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो ससुराल से आएगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत। और एक बात गाइस, आजकल ना यहाँ पे मटर का सीजन बहुत ही ज्यादा भरपूर तरीके से चला हुआ है। यहाँ पे नहीं, सब जगह मटर तोड़ान हो रहा है आजकल, और हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा मटर का तोड़ान हो रहा है। तो मम्मी जो यानी कि सासू माँ मेरे और जेठ वगैरह वो चले गए हैं सुबह सुबह खेत, और मैं और मेरे जेठानी जो है खाना बना रहे थे। अभी खाना वाना हमने सब कुछ बना लिया, अभी मैं थोड़ा हाथ मुंह धो लूंगी, उसके बाद हम भी जाएंगे खेत। और गाइस, और एक बात है, तो आज मैं जाऊंगी पुराने घर। पुराने घर से होके ही जाते हैं खेत को, क्योंकि जितने भी हमारे खेत है ना वो पुराने घर साइड ही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना पुराना घर भी, और हम लोग ना शादी के बाद शिफ्ट हो गए हैं नए घर पे, तो मैं वो घर भी दिखाऊंगी आपको। तो आज आज के व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा गाइस, जो आपको नया नया देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग में बने रहना और व्लॉग को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और गाइस चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब कर दो। और फिलहाल मेरे रूम का हाल देखिए गाइज, अभी सेट करना है सब कुछ। तो सुबह जैसे ही मैं उठी थी ना वैसे ही किचन चली गई, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। तो अभी मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। और मैंने यहाँ पे अपनी सारी चूड़ियाँ रात को खोल रखी थी। तो गाइज हम चल पड़े घर से, और ये है मेरे जेठानी। और देखिए यहाँ का, मेरे घर के चारों तरफ का व्यू देखिए गाइज। ये है हमारा डॉगी, इधर ही रे, इधर है, हेलो। इसका नाम हमने ब्रॉनी रख दिया है। इधर ही रे, बाय। ये आएगा देखना, आएगा आएगा, चल भाग। तो गाइज अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर से, जैसा कि मैंने बोला। तो पुराना घर हमारा थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको सारा व्यू दिखाते दिखाते चलूँगी। तो गाइज हमने ढाठू डाले हुए हैं दोनों ने ही, क्योंकि हमारे जो गांव में ना कल्चर है हमारा पहाड़ी कल्चर की, ढाठू के बिना नहीं रहते। तो अभी मैंने पैर में चप्पल डाले हैं, पुराने घर से हम ले जाएंगे शूज। ये है गांव की बावड़ी गाइज, तो यहाँ से मैं ठंडा ठंडा पानी भरूंगी, और फिर खेत में प्यास लगती है ना। देखिए गाइज, और गाइस यहाँ से जंगल, इतना घना जंगल है ना, वो सामने घर के सामने इतना बड़ा जंगल है कि मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। हम लोग आए उधर से, ये जो घर है ना इसके पीछे हमारा नया वाला घर है, तो हम वहाँ से आए। अभी हम पुराने वाले घर में पहुँचने ही वाले हैं। ये जो जंगल है ना ये मैं आपको सीधा टॉप से दिखाऊँगी। तो देखिए गाइस, हमारा गाँव स्टार्ट होता है यहाँ से। वैसे तो नीचे से होता है खड से, पर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, पर यहाँ पहुँच के अच्छे से दिखाई दे रहा है। कभी मैं आपको सैर करवाऊंगी, जब अच्छे से यहाँ से, यहाँ पे मैं सबके साथ घुल मिल जाऊंगी तब। देखिए गाइस, ये नीचे रोड है ना, ये हमारे गांव का रोड है। यहाँ से सीधा गांव स्टार्ट होता है हमारा, टॉप तक। बहुत बड़ा गांव है वाइज भाई, मैं आपको दिखाऊंगी कभी एक बार अच्छे से, खुद लोगों के साथ घुल मिल जाऊँ, उसके बाद मैं आपको पूरे गाँव की सैर करवाऊँगी कभी, वो टाइम। तो गाइस ऊपर मंदिर है, तो यहाँ पर हम माता टेक रहे हैं। ये गांव का मंदिर है, तो तब करके वाह क्या जंगल है। जो गांव है, एक गांव यहाँ पे है नीचे बड़ा सा, और एक यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है हमारे वाला गांव।
जहाँ पे हमारा घर है, ये वाला भी हमारा घर है, ये पुराना है ना। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पुराना घर, कितने साल पुराना, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला घर देख रहे हो ना आप, ये है बहुत ज्यादा पुराना घर। और हमारा जो दूसरे वाला घर है वो ऊपर जैसा है, देखिए गाइस, ये भी हमारा घर है पुराना। तो एक ये है, एक ऊपर है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आपको नजदीक से दिखाते हैं, तो ये देखिए गाइस, ये है हमारा पुराने वाला घर। कुछ टाइम पहले यहाँ रहा करते थे सब लोग। और अब हम जाएंगे गाय के ओबरे में। हाँ जी, तो अभी जाएंगे हम जहाँ पे गाय रखी हुई है। तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं। ये सारा गाय का घास, ये है हमारा गाय का, हम लोग ओबरा भी बोलते हैं, खुड़ भी बोलते हैं। तो देखते हैं अंदर जाके। देखिए गाइज, ये है हमारी ससुराल वाली गाय, पीले यार। चल यार ले, शुक्र है, गुस्से से घास भी किया ऐसे, बोला तू धूप धूप धूप, मैंने अपनी धूप में ये बनाया मोटा, अभी हम यहाँ से फ्रेश पानी ले जाएंगे खेत को, फ्रेश पानी। देखिए गाइस व्यू देखिए यार, यहाँ पे जंगली जंगल है बहुत बड़ा। ये पहुँच गई मैं खेत, हेलो। ये मेरे जेठ जी और माता जी यानी कि ससुर। देखिए गाइस, एक फुल हो गई है, हेलो हेलो हेलो। वाह क्या हवा है, कर रखू। तो गाइस वो रहा हमारा नए वाला घर, यहाँ से हम लोग आए नीचे से होके, पुराने वाले घर से होके यहाँ तक। अभी हम उठाएंगे मटर, और ये देखिए गाइस, ये है हमारे मटर, उतने भी ख़राब नहीं है, अच्छे ही है। देखिए थोड़े थोड़े ख़राब है, ज़्यादा नहीं है। ये हो गई हमारी एक पाली कंप्लीट। गाइस ये देखिए मटर की भरपूर फसल, और कुछ कुछ मटर बहुत ही अच्छे हैं। देखिए देखिए गाइस, सनसेट होने वाला है, और आप देख सकते हो अभी हमने कंप्लीट कर दिया है, शाम के 5 बजने वाले हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और अभी हम गाय के लिए घास ले जाने वाले हैं, तो यहाँ पे भरा लगा रहे हैं, और ये मटर। तो गाइस हमारा गाय के लिए भरा भी रेडी हो चुका है, ये सासुमा उठा रहे हैं, और मेरे पास किल्टा है, और ये बाल्टियाँ हैं, किल्टे के अंदर बहुत सारा सामान है। ओह सब मटर ले जा रहे हैं, सारे में मटर ही मटर है। देखिए गाइस, यहाँ पे सारे मटर ही मटर है, सारे में बहुत सारे मटर, भर भर के मटर।
तो ये था गाइज मेरा पहला व्लॉग ससुराल से, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।